हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है पूरी विश्वा और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जिंदल सॉ स्टॉक के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिंदल स्टॉक के बारे में और इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे और मैं क्यों सजेस्ट करूंगा इसको बाय करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में जुड़े रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ जिंदल सॉ लिमिटेड की वेबसाइट पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है ये टोटली जो पाइपलाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए आप जो ऑयल एंड गैस के लिए पाइपलाइन यूज होती है वो जिंदल सॉ जो है उसको मैन्युफैक्चर करती है और जो है जितने भी वाटर रिसोर्सेज होते हैं या वाटर को आपको सिटी में आपको पहुंचाना हुआ ये सब जो है जिंदल सॉ करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सॉ पाइप्स आर मेनली यूज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल गैस एंड स्लरी एंड वाटर। दोस्तों, अगर ये कंपनी की बात करें, ये कंपनी जो है कमीशन हुआ था मतलब स्टेब्लिश हुई थी ये 1987 में कोसी कलान उत्तर प्रदेश में। इसे अगर इसमें बात करें तो मार्केट लीडर है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज डायमीटर ऑफ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग पाइप्स। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं ये स्टॉक। और जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अभी काफी ज्यादा होना बाकी है तो कहीं ना कहीं ये पाइपलाइंस की जो यूज है जो मेटल फैब्रिकेशन का जो काम है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और आने वाले समय में ये काफी ज्यादा एक्सपेंड कर सकती है। और अगर कंपनी देखा जाए कहाँ कहाँ के तो यहाँ की इनकी कंपनी तो इंडिया में है ही, साथ में ये इनकी एक कंपनी जो है यूएस में भी स्टेब्लिश है। तो दोस्तों, ये तो होगी कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डिंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर, देखिए प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग्स है वो कंटिन्यूस 2020 से मार्च 2021 तक, इवन इसके पहले तक भी देखेंगे तो 63.02 ही था, ये कांस्टेंट मेंटेन हुआ है और 60 के आसपास तो है, काफी अच्छा इनका जो है होल्डिंग्स है, कोई भी इसमें जो इनका जो है शेयर जो है प्लिज नहीं है। मार्च 2020 में हालांकि थोड़ा सा इनका प्लिज हुआ था किसी कारणवश, लेकिन उसके बाद से जो है इन्होंने कोई भी शेयर जो है प्लिज नहीं किया है। और दोस्तों, कोई भी शेयर का एनालिसिस करिए तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप पहले वो देखिए कि कंपनी की जो है कितने परसेंट जो है शेयर प्लेज है। अगर 10% तक शेयर प्लेज है तब वो कंपनी ओके है, नहीं तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी सेल्स कितनी होती है, टोटल इनकम कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। अगर सेल्स की बात करें दोस्तों तो मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 का देखेंगे तो लगातार कंटिन्यूस इनका देखिए इंक्रीमेंट हुआ है। बीच में जो है जून 2020 में थोड़ा डिक्रीज हुआ था क्योंकि ऑब्वियस रीजन आपको पता ही होगा। और जिनका अदर इनकम आप देख सकते हैं, और जो टोटल इनकम बात करें कि टोटल मिला के इन दोनों का, ये देखिए आपका लगभग 2,933 करोड़ के से लेके सीधा ये 3,831 करोड़ तक पहुंचा है। इनके एक्सपेंडिचर देखा जाए तो 3,433 करोड़ है, लगातार इनके एक्सपेंडिचर भी जैसे जैसे इनका इनकम इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे इनके एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुए हैं। तो अगर आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो है नेट आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट में बात करें तो देखिए पहले जो मार्च 2020 बात करें 29 करोड़ के आसपास था, उसके बाद ये कंटिन्यूस बढ़ता गया और यहाँ पे आप देखिए 186 करोड़ के आसपास इस समय इनका प्रॉफिट पहुंच चुका है। तो दोस्तों, कंपनी में क्या ही चाहिए, मतलब कंपनी देखिए दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, सेल्स इनकी अच्छी हो रही है, इनकम इनका अच्छा आ रहा है, नेट प्रॉफिट इनकी इंक्रीज हो रही है। और आप दोस्तों कंपनी में क्या देखेंगे, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे चार्ट देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनका रेवेन्यू दिखा रहा है और ये दिखा रहा है प्रॉफिट। अब रेवेन्यू देखिए कंटिन्यूस इनका इंक्रीज हुआ था यहाँ से 2018-19 तक, लेकिन उसके बाद देखिए डिक्रीज हुआ है, लेकिन बहुत मार्जिनल डिक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं डिक्रीज हुआ है। इवन प्रॉफिट की बात करें तो भी डिक्रीज हुआ है। और इस क्वार्टर की बात करें तो काफी अच्छा इन्होंने जो है परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप देखें इनकी इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल पे और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि इनका जो है नेट प्रॉफिट जिंदल सॉ का देखिए 461.45% तक बढ़ा है इनका मार्च क्वार्टर में अगर बात करते हैं। तो जो मैंने अभी दिखाया था वो आपका था एनुअल बेसिस पे और ये आपका क्वार्टर बेसिस पे है, मतलब जो पिछले साल जो क्वार्टर में जितना प्रॉफिट हुआ था उसके कंपेयर किया जाए तो 461% के आसपास जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर इतनी अच्छी कंपनी है और इतना अच्छा परफॉर्म करी तो क्यों ना इसमें इन्वेस्ट किया जाए, इसमें इन्वेस्ट तो जरूर करना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी में कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है, तो आइए चलते हैं इनके पी रेशियो पे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ इनका पी रेशियो आप देख सकते हैं, करंट जो पी रेशियो चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 10.67। अगर इसको सेक्टर के पी रेशियो से कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्टर की पी रेशियो काफी ज्यादा इवन 6 टाइम चल रहा है 63.75। तो दोस्तों, इसमें जो ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है काफी ज्यादा है, इवन मैं तो कहूंगा ये जो है बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। और अगर इस समय जो इसका स्टॉक की जो प्रेजेंट वैल्यू चल रही है वो 106 के आसपास आई थिंक चल रही है, चलिए हम चार्ट पे देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे और यहाँ पे देख सकते हैं इस समय जो करंट वैल्यू चली है वो 106.65 के आसपास चल रही है और इसकी जो एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा है। आने वाले समय में ये आपको अराउंड 200 के आसपास दिखेगा
और अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचते हैं तो ये आराम से 500 तक जाने की। दोस्तों ये जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एनालाइज करिए खुद से, उसके बाद जो है पैसा लगाइए। और दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि लाइव जो मेरे पोर्टफोलियो में इस समय जिंदा सा पड़ा हुआ है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने काइट के जीरोधा अकाउंट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिंदा 100 जिसका मेरे पास 200 क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने इसको लिया था 97 रुपीज में, करंटली ये चल रहा है 107 के आसपास, 10% के आसपास का मेरा ग्रोथ दिखा रहा है। और मैं इसको हर डिप में जितनी बार ये नीचे गिरेगा मैं इसमें 100 क्वांटिटी ऐड करता जाऊंगा, लगभग 1000 क्वांटिटी तक मैं इसको लेके जाऊंगा। अभी 10% दिखा रहा है तो काफी बेहतर रिस्पॉन्स है इस समय। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैंने जिंदल स्टॉक के बारे में बताया है, इसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस की है उसको आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। और ये चीज याद रखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी स्टॉक में अगर आपको क्वांटिटी ऐड करनी है तो हमेशा या तो अच्छा खासा डिप मिले तो आप ऐड करिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, और या फिर अगर वो 20 मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है तो, मतलब डेली के जो 20 मूविंग एवरेज होते हैं वहां पे अगर स्टॉक आपको मिलता है और स्टॉक अप ट्रेंडिंग में चल रहा है तो फिर आप वहां पे तुरंत एक बाय एग्जीक्यूट कर सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर लिसनिंग, नमस्कार।